नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने SBI के क्रेडिट कार्ड को हमेशा के लिए ब्लॉक कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे? दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हमारा क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है तो दोस्तों हमको लगता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड कोई गलत मिसयूज ना कर लें, तो उसको जल्दी से जल्दी ब्लॉक करा दिया जाना देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड होता है इसमें पिन का कोई ज़रूरत नहीं होता। कोई बंदा आपके क्रेडिट कार्ड को ले लेगा और कहीं पर भी जा कर के शॉपिंग कर लेगा, ठीक है। तो जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम होता है तो आप उसको तुरंत इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके उसको आपको ब्लॉक कराना होता है। तो ब्लॉक कैसे कराएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो ब्लॉक दोस्तों दो प्रकार से हो जाता है। एक तो हम डायरेक्टली कॉल लगा करके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको डायल करना है जो मैं नंबर आपको बताने वाला हूँ उसी नंबर को आपको डायल करना है। और जब आप नंबर को डायल करेंगे तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप अपने डायलर पर ले जाता हूँ आप सभी को, ठीक है। यहाँ पर आपको डायल कर देना है 1860, फिर 1801290। दोस्तों, इस नंबर को बड़े ही ध्यान से देख लें। ये नंबर है SBI की क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर का नंबर। और जैसे आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो दोस्तों जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कराने जाएंगे तो दोस्तों नंबर पे आपको बहुत सारी डिटेल शेयर करनी होगी, जैसे कि आपका पूरा पता, एड्रेस प्रूफ और दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड के सबने नंबर, और दोस्तों आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड तब तक आपका डीएक्टिवेट, तब तक आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा जब तक आप दोस्तों इन्फॉर्मेशन को नहीं देंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे वो मैच नहीं होगी तब तक आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे सिंपल बात बता दूँ कि आपको कहाँ से ब्लॉक करना है जिससे आप इन सभी झंझटों से बच सकें। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके RBI में रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, आपको उसी मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है दोस्तों, एक मैसेज करना है। मैं आपको मैसेज बता देता हूं कि आपको मैसेज में क्या लिखना है। दोस्तों, आपको मैसेज में लिखना है, मैं मैसेज पर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज में लिखना है BLOCK। एक बात का ध्यान रहे, जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो सारा का सारा कैपिटल बड़े अक्षर में, यानी कि कैप लेटर में होगा, कोई भी अल्फा लेटर में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब जहाँ पर आप ब्लॉक लिखेंगे BLOCK, फिर आपको थोड़ा सा स्कैप देना है। और स्कैप देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने कार्ड के लास्ट के 4 अंक डाल देना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लास्ट के 4 अंक डाल देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो नंबर बताने वाला हूँ उस नंबर पर आपको इस मैसेज को सेंड करना है। जैसे दोस्तों नंबर है 5676677791, ठीक है। आपको इस पर दोस्तों सेंड कर देना है। जैसे आप इस पर सेंड करेंगे दोस्तों तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा इमीडिएटली, तुरंत वहां से एक मैसेज आता है देखो दोस्तों, और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर लिखा थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर कार्ड नंबर इतने इतने, यानी कि कह रहा है कि आपका जो नंबर है लास्ट के जो 4 अंक है क्रेडिट कार्ड के, इससे रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड रजिस्टर्ड होता इस नंबर से तो दोस्तों आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं SBI के। और दोस्तों, अगर आप कुछ और भी पूछना चाहेंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।